पिछले वीडियो में आपने देखा था हेलमेट माउंट वाला वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हैंडल बार पर आप अपना इंस्टा 360 कैमरा माउंट करके बहुत ही बेहतरीन फुटेज बना सकते हैं। इस मोड में रिकॉर्डिंग करने के लिए सेटअप सेम रहेगा, इंस्टा 360 कैमरा है और ये अपना इंस्टा 360 का माइक अडेप्टर है, इसी के अंदर माइक लग जाएगा, माइक सीधे आके कनेक्ट हो जाएगा हेलमेट के अंदर। ये मेरे पास रैम का माउंट है जो कि लगभग 4,500 रुपये का आया था। इनकेस आपका बजट नहीं है 4,000 रुपये का ये माउंट खरीदने का तो ये बेटर ऑप्शन है। ये यूलानजी का एक हैंडल बार माउंट है, रिमूवेबल है, एक बार आप फिक्स कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाएगा, जैसे कि ये है, ये आप देख सकते हैं परमानेंट फिक्स है, इसमें यू बोल्ट लगा हुआ है। इसमें एक अच्छा है कि सेफ्टी अच्छी रहती है, कैमरा गिरने वगैरह का चांस नहीं होता है। इसमें एक थोड़ा सा रिस्क होता है, अगर इनकेस आपने ये ठीक से फिट नहीं किया हैंडल पर या कहीं पर भी तो ये गिरने का चांस होता है। मोस्टली मैं इसे यूज़ करता हूँ क्रैश गार्ड के ऊपर लगाकर रिकॉर्डिंग करने के लिए, अलग एंगल लेना होता है उसके लिए मैं इससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, और हैंडल बार के लिए मैं ये रैम का माउंट यूज़ करता हूँ। इंस्टा 360 X2 कैमरा है मेरे पास, अगर आपके पास दूसरा कोई कैमरा है तो आप उसमें लगाकर और यूज़ कर सकते हैं इस सेटअप को। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने हेलमेट के अंदर माइक को चिपका दिया है डुअल टेप की मदद से, और माइक को बाहर लटका दिया है, बाहर इसलिए छोड़ा है कि ये माइक अब जाएगा अपने कैमरे के अंदर जो कि बाइक के हैंडल बार पर लगा हुआ है। अब मैं माइक को लगाऊंगा इस अडेप्टर के अंदर तो कुछ इस तरह से लग जाएगा कैमरा हैंडल बार के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये है अडेप्टर, इंस्टा 360 का अडेप्टर है और ये अपना माइक लग गया है इस अडेप्टर के अंदर। तो कुछ इस तरह से सेटअप लग जाएगा इस मोड में। माइक मैंने लगा दिया है अडेप्टर के अंदर और वो माइक सीधे इस कैमरे के नीचे लगा हुआ है और वहाँ से सीधा ये आ जा रहा है हेलमेट के अंदर। होप कि साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी। तो चलिए इस मोड का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस मोड में सबसे अच्छा एक फ़ायदा है कि आप सामने का तो दिखा ही सकते हैं और जब मर्जी चाहे आप कैमरे को घुमा सकते हैं अपनी तरफ कुछ इस तरह से, और ये एंगल भी आपको इसमें एडिशनल मिल जाता है बिना किसी मतलब कैमरे को स्विच किए हुए। कैमरा अपने जगह पर है, हैंडल बार पर लगा हुआ है, जब मर्जी आप अपने ऑपोजिट में दिखाइए सामने की तरफ का, और जब मर्जी आप रीफ्रेमिंग करके खुद को भी दिखा सकते हैं। इस मोड का सबसे बढ़िया यही फ़ायदा है और ये मेरा सबसे फेवरेट मोड है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हैंडल बार है उसका व्यू नहीं मिलता है जैसा कि मोटो व्लॉगिंग करते समय आना चाहिए, जैसे कि गोप्रो में आता है कि हैंडल का भी व्यू मिलता है और रोड का भी व्यू मिलता है और सामने का व्यू मिलता है, मगर इस मोड में आपको हैंडल का व्यू नहीं मिलेगा, बाकी सारा व्यू आपको मिल जाएगा। सबसे बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू जो कि राइडर बाइक चलाते हुए दिखता है इस मोड में वो सबसे बढ़िया है। तो इस एंगल में हैंडल बार पर आप कैमरा सेट करके दोनों ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टेडी कैम में भी कर सकते हैं और 360 डिग्री मोड में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। मगर 360 डिग्री मोड का एक फ़ायदा है कि आपको अपना हेलमेट यूं ऐसे ऊपर नीचे मतलब कुछ दिखाना है तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आप जब वीडियो डाउनलोड करते होंगे उस समय पर रीफ्रेमिंग करेंगे वीडियो को और दिखा सकते हैं, जैसे कि समझ जाइए कि आपको लेफ़्ट में दिखाना है कि लेफ़्ट में क्या है तो रीफ्रेमिंग करके आप लेफ़्ट का दिखा देंगे, और अगर आपको राइट में दिखाना है कि देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो रीफ्रेमिंग करके राइट का दिखा देंगे। सामने का तो आप दिखा ही रहे हैं, प्लस खुद को भी दिखा सकते हैं कि आप मोटर राइड कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कर्व में ऐसे ऐसे गाड़ी बेंड कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया व्यू आता है इसके अंदर। मेरा पहला वीडियो जो था वो हेलमेट माउंट के रिलेटेड था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन एंगल आता है हेलमेट से भी और बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कैमरे की स्टेबिलिटी तो मतलब लाजवाब है दोस्तों, इसको कोई बीट नहीं कर सकता स्टेबिलिटी के मामले में। जितना बाइक वाइब्रेट होता है, गाड़ी जितनी वाइब्रेट होती है उस हिसाब से इसका जो फुटेज आता है वो बिल्कुल भी शेकी नहीं आता है, एकदम स्टेबल आता है। तो दोस्तों ये एंगल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, व्यू कैसा आ रहा है, वीडियो की स्टेबिलिटी कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज साउंड कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है क्योंकि ये वीडियो उसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है कि
मोटो व्लॉगिंग करते समय ऑन द गो साउंड कैसे रिकॉर्ड होता है इंस्टा 360 1x2 कैमरे में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद।